नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आपके अपने मसाला चम्मच में स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे गोल्डन मिल्क बनाना और हल्दी का दूध बनाना, इम्यूनिटी बूस्टर हमारा टर्मरिक लेटे। तो सीखते हैं, बहुत ही सिंपल हमारा हल्दी दूध। नमस्कार। हल्दी वाला दूध बनाना या टर्मरिक लेटे बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए बहुत कम सामग्री चाहिए, जिसके लिए मैंने लिया है आधा लीटर दूध। ये गाय का दूध है, आप चाहें तो पैकेट वाला या भैंस वाला कोई भी दूध ले सकते हैं। ये लिया है मैंने सौंठ पाउडर, हल्दी पाउडर। आप चाहें तो मार्केट में कच्ची हल्दी मिलती है, आप उसको भी ले सकते हैं, वो बहुत ही हेल्दी होती है। थोड़ा सा इलायची पाउडर और 1 इंच हमने लिया है दालचीनी का टुकड़ा। अगर दालचीनी का पाउडर है आपके पास तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसको हेल्दी बनाने के लिए मैंने लिया है ये शहद, ये ऑर्गेनिक हनी है, तो आप इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें। और आप ध्यान रखें कि आप शुगर का इस्तेमाल नहीं करें, आप चाहें तो गुड़ ले सकते हैं। और ये मैंने बीटर लिया है, जिससे हम बिल्कुल मार्केट जैसा अपना फ्लपी फ्लपी टर्मरिक लेटे बनाएंगे। तो मैंने गैस पर अपने फ्राई पैन को रख दिया है, इसमें 1 उबाल आने देंगे। और देखिए, थोड़ा सा दूध हमारा गर्म हो गया है और इसको इस तरीके से बीट करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना अच्छे से फ्लप आने लगा है, जैसा बिल्कुल आप मार्केट में पीते हैं, या आपके पास हैंड ब्लेंडर हो उससे भी आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं है तो आप इस तरीके के बीटर या लकड़ी की रई से भी आप इसको चला सकते हैं। अब मैंने इसमें अपनी दालचीनी का टुकड़ा, हल्दी पाउडर, इलायची पाउडर, सौंठ पाउडर, सौंठ पाउडर को ड्राई जिंजर पाउडर भी कहते हैं, सबको मिला दिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो प्लीज़ आप चाहें तो इसको वीक में 3 से 4 दिन बनाकर पी सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं। और अगर आपके घर में हनी पसंद नहीं करते तो आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए कितना अच्छे से हमारा कलर भी आ गया है। और इसको इस तरीके से आप 5 to 7 मिनट्स के लिए बॉईल होने दें और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको सर्व करें। और रात में पीने के लिए ये बहुत ही हेल्दी है। और देखिए मेरा टर्मरिक लेटे बिल्कुल रेडी है, आप इसे पिए और हमें रिव्यूज आप बताएं। इस गोल्डन मिल्क को अपने बच्चों को, अपने घरों में बड़ों को जरूर पिलाएं। ये इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, और इससे आपके बच्चों को ना सर्दी लगेगी और उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा बजा दें। धन्यवाद।